नमस्कार, मैं नमस्कार। अनुभव यादव, अनुभव स्टडी एजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वीडियो लाए हैं चना की खेती। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आपको अभी पता चल रहा है, दूसरों को भी पता चले कि चना खेती, और मेरे वीडियो को आप मोटिवेट करिए, मोटिवेशन करिए, मैं भी मेरे मन को भी उत्साहित करिए। और दोस्तों आइए हम बताते हैं, और वीडियो को बीच में से कट मत करिएगा, ताकि आपको पूरा पता चल जाए और इसमें कौन सी कमी है और कौन सी शब्द छूटा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसे मैं रिप्लाई के माध्यम द्वारा आपको दे दूंगा। दोस्तों आइए देखते हैं चना खेती। चना खेती सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम देखेंगे, सीसर इराइटिनम, सीसर इराइटिनम, और एक किस कुल का है, एक किस कुल का, फेबेसी कुल का है। और चना जो होता है, चना का प्रयोग सबसे ज़्यादा लड्डू बनाने में किया जाता है, और सत्तू सत्तू बनाने में, और इसका जगह पशु के चारे के रूप में, पशु के दाने के रूप में, और इसका प्रयोग घोड़े को दाने के रूप में किया जाता है मुख्य रूप से। चना जो एक पौष्टिक भोजन होता है। चना में जो 21% प्रोटीन पाई जाती है, चना में 21% प्रोटीन पाई जाती है। चना जो होता है रबी मौसम की फसल है, यह भारत की मुख्य दलहनी फसलों से एक मुख्य फसल है चना। दोस्तों चना जो होता है भारत में 73% 73 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल विश्व में 67% मतलब 57 लाख टन चना पैदा उत्तर प्रदेश का उपज पैदा होता है क्षेत्रफल में। और अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कितने भागीदारी है, 26% का भागीदारी उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले में क्षेत्रफल की दृष्टि से, झांसी ज़िले में चना सबसे अधिक खेती की जाती है, और चना के उत्पादन किया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से झांसी ज़िला। और उत्तर में बांद्रा ज़िला से सबसे अधिक चना खेती की जाती है, बांद्रा ज़िला। और चना की खेती के लिए जलवायु जो होती है ठंडी एवं शुष्क जलवायु चाहिए, चना के लिए शुष्क एवं ठंडी जलवायु चाहिए। और चना की जो खेत की तैयारी करते हैं चना के लिए, एक तो मिट्टी प्लट हल से आप जुताई कर दें, फिर उसके बाद 2-3 कल्टीवेटर या देसी हल से आप जुताई कर दें, खेत की तैयारी कर लें आप। खेत की तैयारी करने के बाद आप आती है चना, देखिए एक देसी चना होता है और एक काबुली चना होता है। और देसी चना में कौन सी वैरायटी होती है वो मैं बताऊंगा, और काबुली चना में कौन सी वैरायटी होती है वो बताऊंगा। देसी चना में सद्भावना है, सूर्या है, राधे है, C-235 है, K-850 है, K-468 है, गौरव है, Pusa-209 है, Pusa-212 है, Pusa-408 है, गिरनार है। और ये सब जो और वैरायटी है जो अपने आप नज़दीकी स्टोर से पता कर लेंगे, अपने बीज भंडार जैसी आपकी अपने जैसी सुविधा हो वहाँ पर आप पता कर लें इसकी कौन सी वैरायटी नई आई है, उस नई वैरायटी का उपयोग करें और प्रमाणित बीज का उपयोग करें। और जो जो होता है प्रमाणित बीज से उपयोग करने से जो रोग वोग लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। और अब आते हैं काबुली चना, इस चने की वजन ज़्यादा होता है, ये चना बड़े बड़े होते हैं देसी चना की अपेक्षा। ये चना देखिए, काबुली चना कौन कौन सी वैरायटी होती है, K2 है, K4 है, K5 है, प्रगति है, L-550 है, और वैरायटी होगी जो अपने स्टोर से पता कर लीजिएगा। अब चना खेती के लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है, चने की खेती के लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है, भारी दोमट मिट्टी या दोमट मृदा पर इसकी खेती की जा सकती है। इसकी अगर खेती कर रहे हैं तो उचित जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उचित जल निकास की व्यवस्था होने से इसमें उपज की मात्रा बढ़ जाएगी और आप इसकी में उपज अधिक पा जाएंगे। और इसकी आती है बारी अब इसकी बुआई, अगर आप इसकी बुआई करें कितना लगेगा बीज इसका, अगर देसी चना बड़े दाने में है तो 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अगर छोटे दाने में है देसी चना तो 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर काबुली चना है तो 120 से 130 किलो प्रति हेक्टेयर। अब बारी आती है खाद उर्वरक कितना इसमें लगेगा, इसमें ज़्यादा खाद उर्वरक की ज़रूरत नहीं होती है,
और आप जानते हैं ज़्यादा खाद उर्वरक चना में नहीं दिया जाता, और इसमें से आप दे रहे हैं तो 15 किलोग्राम नाइट्रोजन दे दीजिए, 15 से 20 किलोग्राम, और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस दे दीजिए, और इसमें डीएपी मृदा में ही मिला दें, डीएपी और फास्फोरस 100 किलोग्राम डीएपी एक हेक्टेयर के लिए आप इसको मृदा में मिला दें, ताकि जो वृद्धि विकास पौधों की अधिक हो और उसमें गांठें अधिक निकलें और रोग से लड़ने की क्षमता उसमें अधिक रहे। अगर आप चना की बुआई कर रहे हैं तो पहले बीज उपचार कर लें। बीज उपचार आप किस रसायन से करेंगे, या शेरे सान 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, या कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर लें। अब इसको बोने का समय कब इसको बोते हैं, 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच इसकी बुआई करते हैं। अगर समय पर आप बुआई करेंगे तो आपकी उपज अच्छी होगी और समय से कटाई भी होगा, मौसम समान रहेगा। और इसकी शाखाएँ की खुटाई से कहते हैं देसी भाषा में खुटाई, इसके चने के शीर्ष भाग को तोड़ देना, मतलब तोड़ना, और इसको मतलब कब तोड़ा जाएगा, अगर ये चना कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर का ऊँचे हो जाए या लंबा हो जाए तब इस पौधे को खुटाई ऊपर से कर देते हैं, और इसमें जो कि गांठें फूटते हैं, अधिक संख्या में गांठें फूटेंगे तो फल इसमें अधिक लगेंगे। जब फल अधिक लगेंगे तो एक फल में मान लीजिए जो होते हैं उसमें केवल 2 दाना बैठता है, और इस मगर इसकी बुआई कर रहे हैं तो कौन सा फसल चक्र आप अपनाएंगे, आप या तो मक्का के बाद इसकी बुआई कर सकते हैं चना की, या तो अरे बाजरा के बाद, या तो जौ के बाद इसकी बुआई कर सकते हैं। अब इसकी कटाई कितने दिन में होगी, ये कितने दिन में पककर तैयार होता है, चना कम से कम 160 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाता है पूरी तरह। अगर इसकी मार्च में इसकी कटाई कर लें, मार्च में अगर इस समय पर बुआई हुई तो मार्च में कटाई कर लेंगे, 60 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसकी कटाई देखिए, इसको उखाड़ते नहीं हैं, जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, जो इसमें की खाद जो होता है वो पौधे जड़ में, जड़ पौधे पर ही रहे, मृदा में ही रहे, और इसको कटाई कर लें, हसिया से कटाई कर लें या तो दतारी से, जैसी आपकी व्यवस्था हो वैसी आप कटाई कर लें। अब इसकी बारी आती है, कटाई कर लिए तो कम से कम इसको चार छः दिन तक इसको खलिहान में रख दे, सुखवा दे, फिर इसको सुखवाने के बाद इसको अब इसकी थ्रेसर, पैडल थ्रेसर द्वारा या तो पिटाई द्वारा या तो बैलों द्वारा इसकी दवाई कर ले। दवाई करने के बाद इसका मतलब क्या, दवाई कर लेंगे तो इसका फिर इसमें दवाई करने, इसको अलग कर ले, दाने अलग, भूसे अलग, और सब अलग करने के बाद अगर आप दाना देख रहे हैं तो इसमें सबसे अधिक दाना 13 से 15 कुंटल होता है काबुली चना में, काबुली चना में 13 से 15 कुंटल काबुली चना में होता है। और अगर देसी चना की बात करें तो 25 से 30 कुंटल देसी चना होता है। और उपज हो गया अब इसकी, जैसी अब भंडारण के लिए, इसकी भंडारण के लिए जैसी आप अगर इसको भंडारण करना चाहते हैं तो इसको अब सुखवा कर अच्छे से इसको जैसी व्यवस्था हो उसको भर कर या तो बाज़ार में भेज दें, या तो अपने घर में इसको जैसी व्यवस्था हो वहाँ पर रख दें, और आप इससे अधिक लाभ कमा सकते हैं चने से। और इसमें न तो सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, अगर सिंचाई चाहिए तो एक या तो 45 से 45 दिन पे पहली सिंचाई कर दें, दूसरी सिंचाई 60 से 65 दिन, 2 सिंचाई इसमें चाहिए, और इसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अच्छी उपज प्राप्त कर जाए। और इसको मतलब असिंचित जगह पर, असिंचित क्षेत्र में भी इसको बुआई कर सकते हैं, जहाँ बिना पानी की भी इसकी खेती की जाती है चना की, वहाँ पर भी अच्छी उपज पाई जाती है। जैसे उत्तर लखनऊ में हो गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यहाँ पर बिना सिंचाई की भी पानी, बिना पानी का भी चना को उत्पादन किया जा सकता है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, जो कमी हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसे मैं दूर करने की कृपा कष्ट करूँगा, और मिलते हैं अगले वीडियो।